अरे दोस्तों, YouTube के ऊपर जब आपका YouTube चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पांच गलतियां ऐसी कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत सारी गलतियां आप करते होंगे ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपको ये पांच गलतियां अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये पांच गलतियां ऐसी कौन सी, ये पांच गलतियां हैं अभी के टाइम के अंदर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको हर एक जानकारी है वो बताने वाला हूं कि जब आपका YouTube चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो वन टू वन मैं आपको हर एक जानकारी है वो देने वाला हूँ इसी वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और देन वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका भी यूट्यूब चैनल वो मोनेटाइज हो चुका है, और देन अगर वो ये गलती कर रहे हैं तो वो गलती ना करें, ओके, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर उनका वो चैनल है वो डिसेबल है, वो हो सकता है डिमोनेटाइज भी हो सकता है, ओके। तो आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी पांच गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, पहली गलती क्या है कि आपका जो नाम है, YouTube का नाम है, आपका जो YouTube का हैंडल नेम है, ठीक है, तो वो किसी और नाम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, जहां फिर कोई और पर्सन उसको यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसे अगर मेरा नाम देखें YouTube के ऊपर तो डिजिटल राजीव है, जब भी कोई सर्च करता है डिजिटल राजीव तो मेरा सबसे पहले ही ऊपर मेरा चैनल है वो आ जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ही आपको क्या करना है कि अपने YouTube चैनल का जो नाम है, YouTube का हैंडल है, उसको आपने एक बार सर्च जरूर कर लेना है, एक बार देख जरूर लेना है कि क्या आपके YouTube का जो हैंडल है, चाहे YouTube का नाम है, वो कोई और तो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप अदर जो आपके सोशल मीडिया से, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर हैंडल है, उसको भी आपने एक बार चेक जरूर कर लेना है, ताकि जब आपकी ग्रोथ हो जाती है फिर आपको ये प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाती है कि आप फिर वहां पे पछताओगे कि यार ये गलती मैंने अगर पहले देख ली होती तो मुझे अभी तक अपना जो मेरा नुकसान हुआ है वो नहीं होगा। वो ऐसे ही नुकसान क्या होता है कि आपके YouTube चैनल के द्वारा जो आपका नाम है YouTube का, जहां फिर आपके YouTube हैंडल है, वो सर्च करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के अकाउंट से वो सामने आ जाते हैं, तो आपके जो सब्सक्राइबर है वो इधर उधर भटकते रहेंगे, देन आपके चैनल के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो सब्सक्राइबर गेन का है, व्यूज गेन का है, वो नुकसान है वो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल होंगे, सोशल मीडिया के नाम होंगे, वो चीज आपने स्पेशली सर्च करके देख लेनी है। एक चीज सर्च जरूर कर लेनी है कि अगर जो भी आपके YouTube का नाम है या फिर YouTube का हैंडल है या फिर अदर सोशल मीडिया के नाम या फिर अदर सोशल मीडिया के हैंडल है जो, ठीक है, उसके नाम के ऊपर कोई दूसरे पर्सन का नाम तो नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपने एक बार ध्यान से देख लेना है, ओके। जब आप इस चीज को देख लेते हो तो जब आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर ग्रो करने लग जाते हो, आपकी व्यूज अच्छे जा रहे हैं, आपकी वीडियोस अच्छी रैंकिंग कर रही है, तो आपका एक ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपका एक ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप और देन आपको अर्निंग है वो होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। जब आपका नाम ही आपका ब्रांड होता है, देन आपका नाम ही हैशटैग बनकर रैंकिंग के अंदर चलने लग जाता है, और देन आपकी वीडियोस और देन आपके व्यूज गेन होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर भी गेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करिएगा। आपने YouTube चैनल और अपने YouTube हैंडल या फिर अदर सोशल मीडिया के हैंडल्स को भी चेक जरूर कर लेना। अभी बारी आती है आपकी दूसरी गलती की। दोस्तों, दूसरी गलती ये होती है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में जब भी हम अपना चैनल है वो बना लेते हैं, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से बना लेते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भी अपना यूट्यूब चैनल है वो पर्सनल ईमेल आईडी से बनाया हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हो किसी अदर ईमेल आईडी से, क्योंकि आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर बहुत सारा आपका डाटा है वो होता है। जैसे आपने गूगल ड्राइव के ऊपर फोटोज डाली होती है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, देन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर का चैनल है वो हैक हो जाता है। जब वो चैनल है वो हैक हो जाता है, देन आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाया होगा अपना यूट्यूब का, देन आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो उनके पास चली जाती है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अपने अगर ईमेल आईडी पर्सनल के साथ अपना यूट्यूब चैनल है वो बनाया हुआ है तो आपने क्या करना है, एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके उसको वहां पे ट्रांसफर कर लेना है। अपने YouTube चैनल की ईमेल आईडी को कैसे ट्रांसफर करना है, इसके ऊपर भी वीडियोस है वो मेरा आने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से कैसे है कि आपने क्या करना है कि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को छुपा के रखना है, बता के नहीं रखना है किसी को भी। देन क्या है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जो भी आपने वीडियोस अपलोड करे होंगे गूगल ड्राइव के ऊपर, फोटोज अपलोड करे होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे, देन वो उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो ना जाए जब भी आपका यूट्यूब
अगले आने वाले टाइम के अंदर अगर हैक होता है तो ओके तो ये चीज आपने गलती कभी नहीं करनी है कि अपने पर्सनल ईमेल आईडी से कभी भी अपने यूट्यूब चैनल को अटैच नहीं करना है, अपने यूट्यूब चैनल को नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। तीसरी जो हमारी गलती है दोस्तों वो है पेड मोनेटाइजेशन। दोस्तों के अंदर ये गलती नहीं करनी है, जब आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है तो आपने अपनी वीडियोस को बार बार नहीं देखना है। अगर दूसरे के फोन के अंदर भी देख रहे हो तो 3 से 4 बार ही देखनी है, ज्यादा बार नहीं देखनी है, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। दोस्तों बहुत बार होता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सही तरह से काम कर रहे हो लेकिन आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर टू स्टेप क्या है कि एरर है वो आ जाता है, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते हुए भी फिर भी वो डिसेबल हो जाता है, मोनेटाइज डिसेबल हो जाती है। दोस्तों ये गलती होती है कि अभी के टाइम के अंदर आप किसी वेबसाइट के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज है वो गेन करा रहे हो, पेड प्रमोशन करा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, ओके। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। दोस्तों अगर यूट्यूब को ये चीज पता चल गई कि आप अपने वीडियोस के व्यूज है वो गेन करा रहे हो किसी अदर वेबसाइट से, तो दोस्तों इसी तरह से क्या है कि यूट्यूब को अगर ये पता चल गया तो आपका इनबिलीवेबल क्लिक के वो वहां पे आ जाएगा, तो देन आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अर्निंग होना बंद हो जाएगी और देन आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने, इस चीज का ध्यान में रखिए, और अपनी खुद की वीडियोस कभी भी अपने फोन से नहीं देखनी है, ओके। दोस्तों चौथी जो गलती है वो है एडसेंस अकाउंट्स को लेके, दोस्तों आईडी वेरीफाई को लेके। दोस्तों बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अपनी आईडी जब भी वेरीफाई करानी होती है तो वो अलग अलग चीजें भरते हैं वहां पे, दोस्तों बैंक अकाउंट किसी और का और देन आईडी किसी और की, तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप आईडी वेरीफाई कर रहे हो तो एक ही पर्सन की आईडी को आपने क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके अंदर उनका नाम सही होना चाहिए, उनका एड्रेस सही होना चाहिए। दोस्तों आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको 4 चीजें की ऑप्शन है वो पढ़ते हैं, ओके। देन आप अपने आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और देन आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये 4 चीजों से क्या है कि आप अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हो और देन जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है, एडसेंस अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है, देन आपने वहां पे क्या करना है, उस आईडी को चेंज नहीं करना है, ओके। तो बहुत सारे लोग है वो क्या है कि जब आपका एडसेंस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है देन वहां पे चेंज है वो करने लग जाते हैं, तो ये चीज नहीं करनी है, एक ही बार आपको वेरीफाई कराना है और देन बार बार उसको चेंज नहीं करना है। दोस्तों पांचवी जो गलती लोग करते हैं, यूएक्स टैक्स डिटेल्स फिल करने में। तो दोस्तों अभी के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे वो यूएक्स टैक्स डिटेल है वो फिल करें। दोस्तों इसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये वाली वीडियो जाके आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने हर एक जानकारी बताई हुई है कि कैसे आप अपने यूएस टैक्स डिटेल वो फिल कर सकते हैं और देन कैसे आप यूएस टैक्स डिटेल को अप्रूव करा सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट्स के अंदर, हर एक जानकारी मैंने इसी वीडियो के अंदर बताई हुई है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा या फिर आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट है वो कर सकते हैं। दोस्तों यूएस टैक्स डिटेल फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की नीड पड़ने वाली है और देन क्या क्या डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी होती है। दोस्तों पहले तो आपको एक पैन कार्ड है जो आपका, ठीक है, उसका नंबर है वो लगने वाला है, फिर देन आपकी जो आईडी के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो चीज वहां पे लगने वाली है, फिर आपको अपनी आईडी की फोटो है वो अपलोड करनी होती है, तो हर एक जानकारी आपको वहां पे फिल करनी होगी, ओके। पहले आपका एड्रेस नाम सही होना चाहिए सबसे पहली बात, ओके, और जिस पर्सन की आईडी आपने वेरीफाई कराई है पहले से उसी नाम से आपने वहां पे आईडी को अपलोड करना है, ओके। एक ही आईडी को आपने वहां पे अपलोड कर सकते हो, हर एक जानकारी वहां पे आपको सही से फिल करनी है और देन जब आपका यूएस टैक्स डिटेल आप फिल करते हो तो वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव है वो हो जाता है 24 से 48 घंटे के साथ ही। इस वाली वीडियोस के अंदर जाके देख लेना, मैंने हर एक जानकारी वो बताई है कि कैसे आप यूएस टैक्स डिटेल को फिल कर पाओगे, हर एक जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। दोस्तों ये थे 5 ऐसे मिस्टेक जो कि आपको अपने YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद कभी नहीं करनी है अपने YouTube चैनल के साथ। तो दोस्तों अगर आपका भी चैनल अपने पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी को ट्रांसफर कर लीजिए। तो ईमेल आईडी को कैसे ट्रांसफर करना है उसके ऊपर भी वीडियो से बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाए। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने YouTube चैनल को आराम से बचा सकते हैं, अपने पर्सनल डिटेल को भी बचा सकते हैं अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर आपका YouTube चैनल वो हैक नहीं होता है। बट क्या होता है कि बड़े बड़े जो YouTube चैनल है, ठीक है, वो भी हैक हो जाते हैं और देन उनमें से क्या है कि उनकी जो सारी डिटेल्स है वो ले लेते हैं,
अगर आप भी अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचाना चाहते हो, अपनी पर्सनल डिटेल लीक होने से बचाना चाहते हो, तो ये चीज आप जरूर कर लेना। दोस्तों ये पांच ऐसे मिस्टेक हैं जो कि आपको अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज होने के बाद नहीं करनी है। तो कैसी लगी ये आपको अपडेट कमेंट कर जो बताना। इसी तरह की मोर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।